सब्सक्राइबर जी आप भी खाना चाहते हैं? आज हम कर रहे हैं रामेन चैलेंज। सो मेरा ये है रामेन चीज वाला और इसका सिंपल वाला स्पाइसी वाला। तो आज हम कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप देखिए कौन विनर होगा। देखिए उतारे पिंग लग रहे बहुत चाल है। वो काफी समय में रहता है, लेकिन कुछ समय में रहता है। सब्सक्राइबर जी आप भी खाना चाहते हैं? The half portion being ham, the half portion being hard. You hard, man. Like,
मैं इसे गलत मैं आप देख सकते हो मेरे खाते में नहीं है। बच्चे अभी तक बच्चे तो ये नहीं खा पा रहे तो मैं हार मान गया। हार मान गया, इसको भी एक थप्पड़ खाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा चैलेंज ओवर हो गया, तो आप सब देख सकते हो कि ये पूरा नहीं खा पाया। एक्चुअली हमें तो बहुत कम दिखा रहे, लेकिन हाफ मैंने खा दिया, तो इसका पनिशमेंट ये होगा कि इसे बस विदाउट ओवन और विदाउट एग के साथ में इसे केक बनाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो। तो मिस चेतम, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे शर्म आ रही है। तो मैं हार गया, तो मुझे पनिशमेंट अभी मुझे करना ही पड़ेगा। तब केक बनाऊंगा विदाउट एग एंड ओवन। और ऐसा मत सोचिए कि ये इसके साथ में कोई होगा, इसे खुद पूरा अकेला करना पड़ेगा। अकेला? ओके, आप देखते रहिए। तो आपने देखा था मैं लास्ट ब्लॉग पे मैं हार गया था रामेन चैलेंज में। सो आज मुझे बनाना पड़ेगा केक। तो अभी हम लोग जा रहे थे केक खरीदने का सामान ओरियो से नीचे दुकान से, तो आप दिख रही है। और आज बहुत गर्मी है, तो आइए। पोपर चला लो नहीं जाएंगे? नहीं। और डेरी मिल्क? डेरी मिल्क दे दीजिए। बहुत गर्मी है। यहाँ कुछ बहुत ओवर ही गर्मी है। आप देख सकते हैं आज कितना गर्मी है, 38 डिग्री सेल्सियस देख सकते हैं। इच्छानगर पे वही तो अभी हम ओरियो बिस्किट को पूरा ग्राइंडर के अंदर घुसा रहे थे। अभी तो मैंने पूरा बकेट, मैं क्या बोला है, बत्ती मैंने घुसा दिया था। तो यार मैंने बहुत ज़्यादा घुसा दिया था, तो मैंने अभी अर्धा ओरियो मैंने निकाल दिया। तो ये है रहा ओरियो। तो डन। Oh my god, you got hard. हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, तो अभी हम वापस सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं।
तो अभी हम नेक्स्ट उसी तरह लार्ज वाला ग्राइंडर ला दिया, तो अभी हम उसमें घुसा दिया, तो देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता है। तो अब देखिए, तो ये बंद कर दिया, तो अभी हम करेंगे स्टार्ट। सो ये फाइनली मिक्स हो गया था, बट ये सेकेंड अटेम्प्ट पे भी नहीं हुआ, इसको और करना पड़ा तभी ये हुआ। तो हमारा ये ओरियो मिक्स करके हो गया। हमारे पास बेकिंग पाउडर नहीं है, तो अभी हम डालेंगे इसका ऊपर क्रीम। तो अभी हम इसे हिला रहे हैं। तो हमें फाइनली बेकिंग पाउडर मिल गया था। हमने बहुत दूना, बहुत खोजा बेकिंग पाउडर को, हर जगह में, हर चप्पा छान में, क्या बोल रहे यार। तो तभी हमें बेकिंग पाउडर मिला, तो अभी हम डाल रहे हैं, अभी करेंगे उसे। अब हम डाल रहे हैं मिल्क। तो मैंने फर्स्ट में डाल दिया, तो यहाँ बहुत कम लग रहा है, तो मैंने फर्स्ट डाल दिया, बस वीडियो के लिए किया मैंने। अभी हम डाल रहे हैं ऑयल फैन में, जहाँ पर केक बनाते हैं, केक का लेयर नहीं जलने के लिए। सेकेंड बार का मैंने बहुत ज़्यादा ही डाल दिया था, क्योंकि मेरा हाथ फिसल गया था। अभी हम डाल रहे हैं केक। तो देखिए, ये बड़ा बाउल है शायद, और ये छोटा वाला है। तो हम बना रहे थे दो लेयर का केक। तो ये है सेकेंड वाला। तो मैंने जब वीडियो पेपर से बात किया था, मैंने बोला था कि यार हम विदाउट ओवन का बनाएंगे, पर जब हम विदाउट ओवन का बना रहे थे यार, तब हमारा केक जल गया था, और हम पता नहीं यार बनाने नहीं सका, तो फेल हो गया था। तो वो वीडियो मैं क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि वो बहुत वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। तो अभी हमें ज़बरदस्ती ये ओवन यूज़ करना पड़ा, उसके लिए माफ़ी। तो अब देख सकते हैं ये केक हमारा झल गया था ओवन से बनाने के बाद भी, नीचे का लेयर। और एक कहा क्रीम चॉकलेट, आवाज तो नहीं आ रहा है। हमारा ये केक थोड़ा अच्छा बना है। नहीं, ये वाला बहुत सुंदर से पका, आप देख सकते हैं। अब इस दोनों में देख सकते हो ये कितना हम इसे कोटिंग करेंगे। अच्छा पका है, मैं बिलीव नहीं है। अच्छा लग रहा था, फर्स्ट लेवल क्या है। थोड़ा मैंने खा दिया इसलिए इसका ऐसा हो गया। तो अभी इससे पनिशमेंट ये मिलेगा कि अभी हम लोग केक बनाएगा, तो इसे पूरा वो अकेला बनाना पड़ेगा। ओके, तो आप सब देख सकते हैं कि ये पूरा नहीं खा सका है, तो इसको अभी एक पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट ये है कि ये अपना सबसे बदसूरत मतलब फेस दिखाएगा, मतलब हेलो एवरीवन। सो आज हम कर रहे हैं मुकबांग कॉम्पिटिशन।